शिवपुरी के सिंह निवास में रहने वाले दलित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती आवेदन देकर जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले शिवपुरी के धन्ना सेठ से परिवार की सुरक्षा करने और धमकी देने वाले धन्ना सेठ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि शिवपुरी निवासी धन्ना सेठ उनकी निजी भूमि को कम कीमत लगाकर खरीदना चाहता है, लेकिन पीड़ित परिवार जमीन बेचना नहीं चाहता। बावजूद इसके धन्ना सेठ द्वारा पीड़ित परिवार को फोन कर डराया धमकाया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ और सहमा हुआ है। मेरा नाम आकिम साहब। कौन से गांव के? शकर निवास से। तो यहां एसपी ऑफिस पर क्यों आए थे? जे जमीन के रास्ते के चक्कर में सर, रास्ता बंद कर रहे हैं ये हमारे प्लॉटिंग वाले। जब स्वरूप जैन और कौन है? वो ही है, जबरदस्ती बोलते हैं कि बेचे तो मेरे को बेचना, और किसी कोई लेगा तो उसमें जूते मारूंगा। गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या? हाँ साहब, केस शाम को मुझे मल्ला कॉल पे धमकी दी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि तू बेचेगा तो किसी को मैं जूते मारूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं लेगा। किसकी जमीन है वो? जमीन मेरी है। हाँ, चार भी मतलब 3.5 भी है, हम 4 भाई है। हाँ, रास्ता कहाँ से है उसका? रास्ता वो वहीं से है सर। रास्ता सरकारी है क्या आपकी? सरकारी है। तो वो बंद कर रहा रास्ते? और क्या, वो तो प्लॉटिंग चल रहा है उसका, उधर बेच दिया रास्ता, फिर कहता इधर से निकल। अब वो बेच दिया तो उसमें से कह को निकल नहीं देगा। प्लॉटिंग चल रही है उनकी। नहीं, आज पहली बार सर, मैंने कई बार धमकी सुन ली, 2-3 बार, फिर कल शाम को कॉल पे धमकी आई मेरे पे, तो मैं आज सुबह से लगा हूँ सर, भूखा प्यासा बच्चे को लेके आया हूँ। और क्या, हमारी जमीन हम किसी को बेच सकते हैं? ये धमकी देता है, धमकी देता है, हमारे बच्चे नहीं आए। हाँ, तुमने कहता मैं खरीदूंगा, कोई खरीदेगा तो उसमें जूते मारूंगा।